بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आसान फहम कुरान इसके 18वें सबक के लिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस सबक में हम दुरूद का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, ग्रामर में सबरा और गफरा की प्रैक्टिस करेंगे, इन दो अफ़ाल की और कुछ नुकात शौक के देखेंगे। आइए दुरूद का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इससे पहले हम बता दें इस खुशखबरी को कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे असबाक देखते आ रहे हैं अब तक उन्होंने तकरीबन 180 अल्फाज सीख लिए जो कुरान करीम में 32,000 बार आते हैं। और आज के सबक में भी हम, अगर आप आज का सबक ही तवज्जो से सुने और उसको सीख लें तो आप तकरीबन 20 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 300 बार आते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो शुरू करते हैं हम दुरूद का दूसरा हिस्सा। हमने पिछली क्लास में सीखा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद मा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम दूसरा हिस्सा कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो अल्फाज की तब्दीली है, सल्ली की जगह बारिक है, सल्लैता की जगह बारकता है। अल्लाहुम्मा यानी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा यानी ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकत भेज, बारिक बरकत भेज या बरकत अता फरमा, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला यानी पर, और अला को याद रखने के लिए मिसाल अस्सलाम अलैकुम, सलामती हो आप सब पर, अलैकुम आप सब पर, आला यानी पर, आला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा बारिक आला मुहम्मद, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या बरकत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वा आला आली मुहम्मद, वा और आला पर, आल यानी औलाद या इत्तेबा करने वाले, आली मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, वाला आली मुहम्मद और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। ठीक है, इस तरह हम उर्दू और अरबी में तरतीब बाज़ोख़त उलटती है, हर जबान की अपनी तरतीब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, इससे पहले हमने देखा था इसमें बस एक तब्दीली है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ए अल्लाह बरकत अता फरमाया, बरकत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा बारकता, वैसे ये पूरा ही दुरूद है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो भी दुरूद है और यही पूरा दुरूद है असल में। बहरहाल कमा, कमा यानी जैसे, हमने कहा था का मतलब भी जैसे है और कमा का मतलब भी जैसे। कमा बारकता, जैसे आपने बरकत अता की, जैसे आपने बरकत भेजी। बारकता ये एडवांस्ड फॉर्म है, बारका बारकु, बारकता बारकतुम, बारकतु बारकना, युबारिकु युबारिकु, तुबारिकु तुबारिकु, नुबारिकु नुबारिकु, बारिक बारिकु, लातुबारिक लातुबारिकु, मुबारिक मुबारक, ईद मुबारक, यहाँ से आ रहा है किताबन मुबारक मुबारका। इंशाल्लाह आप अगली क्लासेस में इसको सीखेंगे। बारकता आपने बरकत भेजी, अरे अल्लाह आपने बरकत भेजी। कमा बारकता जैसे बरकत भेजी, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम, जैसे बरकत भेजी आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका, इन्ना यानी बेशक, इन्ना की मिसाल इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ये तो आप जानते हैं मशहूर मकोला है,
बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इन्ना का मतलब बेशक, और वो हुम काकुम इना का फार्मूला आप लगाएंगे तो आप सारे सीख जाएंगे अल्फाज जो कुरान करीम में आए हैं। इन्नहु मतलब बेशक, वो इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नी बेशक मैं, इन्ना बेशक हम, इन्नहा बेशक वो औरत। तो इन्नका बेशक आप, हमीदुन आप यानी अल्लाह ताला हमीदुन काबिल तारीफ है। हमीदुन कहां से निकला है? हम्द से निकला है। हम्द का मतलब तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो हमीद काबिल तारीफ, तारीफ के काबिल, आप ही की तारीफ की जा सकती है। सच्ची तारीफ का हक तो आप ही रखते हैं। इन्नका हमीदुन बेशक आप तारीफ के काबिल हैं। मजीद बुजुर्गी वाले हैं। मजीद के लिए भी हमने आपको लफ्ज बताया था उर्दू में, क्या था लफ्ज? वालिद माजिद, जद अमजद, वालिद माजिद, माजिद बुजुर्गी वाले वालिद। तो मजीद बुजुर्गी वाला। इसमें और उसमें क्या फर्क था? सल्ली की जगह बारिक है, सल्लैता की जगह बारकता है। सल्ली यानी रहमत भेज, सल्ली सल्ली मतलब नमाज पढ़े खाली। अगर आप सिर्फ लफ सल्ली सल्ली अशख, अरब वर्ल्ड में आप किसी को नमाज पढ़ना कहें या वही आपसे कहेगा सल्ली सल्ली, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। फसल्ली लिरब्बी का वनहर, हम उसको इस सूरत को भी सीखेंगे। फसल्ली लिरब्बी, सल्ली यानी नमाज पढ़। लेकिन सल्ली के साथ आला जब आता है, प्रीपोजिशन जब जुड़ जाता है तो माना बदल जाता है, रहमत भेज पर। जैसे हमने इससे पहले सबक में बताया आपको कि प्रीपोजिशन बदलने से माना बदलते हैं। जैसे गेट इंग्लिश में है, गेट मतलब हासिल करना, ऑब्टेन। गेट इन का मतलब अंदर हासिल करना है? नहीं, गेट इन का मतलब अंदर आना है, माना पूरा बदल गया। गेट आउट, गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट एट, जैसा प्रीपोजिशन बदलेंगे आप वैसे माना बदलेगा। वही अरबी में भी है। सल्ली मतलब नमाज पढ़, सल्ली आला रहमत भेज ऊपर, किसके जो भी आगे बयान हुआ है। आल का मतलब औलाद या इत्तिबा करने वाले। अच्छा, अब हम जो है इस बात की तरफ आते हैं कि ये दुरूद हमें क्या पैगाम देता है, क्या याद दहानी कराता है। जो भी हम जिक्र करते हैं उसका मकसद हमारी तरबियत है। दरअसल ये पांच वक्त की नमाजें ये अल्लाह ताला का बुनियादी तरबियती प्रोग्राम है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रोजाना का तरबियती प्रोग्राम है। इसमें जब हम इसको समझ के एहसास के साथ पढ़ेंगे और इसको अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर रूह आएगी, वरना ये खोखला प्रोग्राम है। ये जो है इसको समझ के पढ़ तो जो भी अल्लाह ताला ने जिक्र करने के लिए कहा है उसका मकसद जो है हमको कुछ तैयार करना है। दुरूद क्यों हम पढ़ते हैं? जैसे मैंने पिछली बार कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार कुर्बानियां दी। आज हम जो हजारों मील दूर मक्के से मुसलमान हैं, 1500 साल के बाद मुसलमान हैं, और याद रखिए 1500 साल में सिर्फ 100 साल पहले से ये रेडियो या 50 साल पहले से टीवी वगैरह आया है या 200-300 साल पहले से प्रिंटिंग प्रेस आया है, उससे पहले जबकि रास्ते हमलो नकल के नहीं थे, उससे पहले जबकि उस जमाने में पेपर भी नहीं था, सोचिए किस मोहब्बत से किस अकीदत से सहाबा कराम ने और आपके ताबईन ने और बाद की नस्लों ने किस तरह ये सारी चीज़ों को हम तक पहुंचाया है, और ये तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी। आज हम जो मुसलमान हैं अल्लाह का करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का नतीजा है। इससे पहले हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को याद कीजिए, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब की तिलावत करना, आयात की तिलावत करना। आज भी ये आयात पढ़ी जाती हैं। क्या मैं इन आयात को समझने की परवाह करता हूँ या मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता हूँ? युज़क्कीहिम तज़किया करता है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिंदगियों का तज़किया किया है ना, उनके अकीदे का, उनके अखलाक का, उनके मामलात का, सारे चीज़ों का। और वो युअल्लिमुहुमुल किताब, आप इस किताब के टीचर थे, मुअल्लिमे किताब थे, मुअल्लिमे कुरान थे आप। तो स्टूडेंट किसको होना चाहिए?
हम सबको होना चाहिए। किसको होना चाहिए? हम सबको होना चाहिए, इसलिए कि आप क़यामत तक के लिए नबी हैं। और हमने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं बिजी हूं, आम तौर पर स्टैंडर्ड बहाना हमारे पास इल्ला माशाल्लाह यही होता है कि यार बिजी हूं, हो नहीं सक रहा है। कोई इनकार नहीं करता कुरान फहमी से आमतौर पर, लेकिन आप उससे एक महीने एक साल के बाद मिले, कहें कि भाई क्या हुआ कुरान समझने का, इतना आजकल इतना बिजी हो गया मैं। जब इंसान बिजी कहता है तो मर नहीं जाता, दूसरा काम कर रहा होता है। तो जब आप कहते हैं या मैं कहता हूं मैं बिजी हूं, तो बाल्फाज दीगर अपने रसूल से ये कहता हूं कि सॉरी मैं बिजी हूं, आपके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, अस्तग़फिरुल्लाह। कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत में मुलाकात हो और अल्लाह ताला हम सब की मुलाकात कराए, आपका साथ नसीब करे हम सबको, तो ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि मैं बिजी था, कुरान नहीं पढ़ सक रहा था। तो जब भी दुरूद पढ़ें ये याद हो, ये एहतिसाब हो, आज कुरान मैंने स्टडी की है नहीं की है। इसी के साथ साथ एक और आपकी नसीहत को याद कीजिए। आपने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो। जिस शख्स को कुरान ही समझ में नहीं आता वो क्या पहुंचाएगा? फाकिदु शय ला युती, अरबी का मकुला है कि जिसके पास है नहीं कुछ देने वो दूसरों को क्या देगा। तो जब तक हमको ये कुरान की आयतें समझ में नहीं आती, वो दूसरों को क्या समझाएंगे? तो इस नसीहत के तहत, बल्कि आपने आखिरी हज में ये वसीयत की कि जो यहां मौजूद हो वो दूसरों तक पहुंचा दें, और सहाबा कराम इस वसीयत को लेकर सारी दुनिया तक फैल गए। आज हम जो मुसलमान हैं ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन क्या मैं उस सिलसिले को जारी रखता हूं या मेरे पास ही उसको खत्म कर देता हूं अपने पास? इसको एक मिसाल से समझिए। फर्ज कीजिए आप किसी सफर में एक बस में जा रहे थे, आपका काफिला जो है सहरा में भटक गया, सारे लोग जो है अब इधर उधर फिरने लगे पानी खाने की तलाश में, यहां तक के मौत के करीब हो गए। आप भी इधर भटक रहे हैं कहीं पर जाकर, और बस अब मौत का इंतजार है, इसलिए कुछ नहीं खाना है ना पानी है। उस वक्त एक शख्स आता है कुछ खाना और पानी लेकर और आपके सामने पेश करता है, आपको खिलाता है पिलाता है। आप कहेंगे आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह ताला आपको नवाजे, खुश रखे। अब वो शख्स ये कहता है कि मेरे पास कुछ और सामान है, ये जरा और भी लोग भटक रहे हैं, और भी लोग भटक रहे हैं उन तक पहुंचा दो, थोड़ी मेरी मदद करो। और अगर मेरा हाल ये हो, अगर मैं वो शख्स हूं और मेरा हाल ये हो कि मैं उसको ये कहता रहूं खिलाने वाले को कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप मोहसिन हैं, आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह जो है आपको जिंदगी भर खिलाता रहे, वो कहे कि भाई कुछ और भी लोगों को ले जाकर दो, मैं वहीं खड़ा हूं और फिर तारीफ करता रहूं, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे खुदगर्ज है, एहसास से आरी है, बस अपनी फिक्र है इसको। अगर मैं सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहूं और आपके मिशन की कोई परवाह ना करूं तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। ये ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल ताल्लुक नहीं होगा, ये मोहब्बत की बात नहीं होगी। आपसे मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे इस किताब का स्टूडेंट बनना चाहिए, जब भी इन आयात की तिलावत की जाए तो मुझे इन आयात को समझना चाहिए और अपनी जिंदगी का एक मिशन ये बनाना चाहिए कि मैं इस किताब की आयात को इंसानियत तक पहुंचाऊं। इस दुनिया में इस वक्त मुसलमान सिर्फ 20% हैं, 80% लोग अभी भी गैर मुस्लिम हैं, और उन तक इस किताब को पहुंचाना है। ये मत कहिए कि दुनिया को मालूम है। बाज़ मुसलमान ये कहते हैं कि हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, न्यूज में, प्रिंट मीडिया में, सबको मालूम है इस्लाम क्या है। हम कहेंगे मुसलमानों ही को नहीं मालूम कि कुरान में क्या है। 99% मुसलमान 1% कुरान भी नहीं समझते, फिर किस तरह ये उम्मीद रखते हैं कि गैर मुस्लिम कुरान को समझें और फिर ईमान लाएं? तो इन चीजों को याद रखिए, अपने हर नमाज में दुरूद को पढ़ते हुए। एक सेकंड की बात है, इंसान बहुत तेज सोचता है एक सेकंड में कि भाई मैंने
इस मिशन का कुछ आज पार्ट किया है नहीं किया है। मैं गुजारिश करता हूं अब हमारे कारी इमरान साहब से कि वो आए और आपको इसके अल्फाज की प्रैक्टिस कराएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में उन नाज़रीन के लिए जो पहली बार देख रहे हों, हम ये कहेंगे कि इसको टीपीआई से कीजिए। टीपीआई यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी रहे हैं, अब हमारे साथ बोलिए भी और बताइए भी, इशारे कीजिए, शौक से पढ़िए, मिलकर पढ़िए, घर वालों के साथ पढ़िए, एक दूसरे के साथ पढ़िए, ताकि सीखने का ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान हो। आपको अरबी जबान के अफ़ाल के मुख्तलिफ सेगे बआसानी आ जाएंगे अगर आप इसको इस तरह प्रैक्टिस करें जैसा कि हम अभी बताने वाले हैं। हमने शुरू में इब्तिदा में कहा कि अल्फाज जो हम पढ़ते सुनते लिखते बोलते हैं उसकी तीन किस्में हैं कलमे। एक तो है इस्म, नाम या सिफत, दूसरा है फ़ेल जिससे करने का पता चले या होने का, और तीसरा है हर्फ। इस्म के बारे में हमने कई मिसालें देखी, रब, किताब, दीन, मुस्लिम वगैरह। फ़ेल कई अफ़ाल हमने अब तक सीखे हैं। हर्फ इससे पहले हमने सीखा है जैसे आला, इला, बी, फी वगैरह। फ़ेल का यह सिलसिला जारी रहेगा। अब तक हमने कई अफ़ाल सीखे और इंशाअल्लाह आज भी हम दो अफ़ाल सीखेंगे और वो हैं गफरा और सबरा। अभी तक जो हमने ग्रामर सीखी है उसका ताल्लुक डायरेक्ट सबक से नहीं है और आगे भी तकरीबन ऐसा ही होगा। इसकी वजह यह है कि अगर हम सबक को एनालाइज करते जाएं ग्रामेटिकली तो फिर ग्रामर बहुत हैवी हो जाएगी। हम आसान ग्रामर को लेकर चल रहे हैं और अल्फाज मानी सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों सिलसिले मिल जाएंगे, जैसा हमने सूरह काफिरून में बेहतरीन मिसाल देखी या इसमें भी हम बाज़ अल्फाज की प्रैक्टिस बता रहे हैं कि हमने वहां सीखा है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे और इसीलिए ये भी एक आसान तरीका है सीखने का, बजाय उसके हम खालिस ग्रामर क्लास करें या सिर्फ अरबी अल्फाज माना सिखाएं। थोड़े से अल्फाज मानी वो भी हमारे उन अजकार से, उन आयतों से जो हम रोजाना पढ़ते हैं, वहां से अल्फाज मानी और ग्रामर दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अफ़ाल में हमने अब तक तीन किस्म के अफ़ाल देखे, तीन अबवाब देखे। एक है फतहा, फतहा वाला। इस वजन पर हमने फतहा के सारे सेगे सीखे, फतहा, फतहु, फतहता, फतहतुम, फतहतु, फतहना, यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, तफ्तहुना, अफ्तहु, नफ्तहु, इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु, फातिह, मफ्तूह, फतह, हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ यफ्तहु, हिया
تفتح. اس پر ہم نے فعل خود اسی نمونے پر آتا ہے اور جعل بھی یہ بھی سیکھا. نصرہ اسٹائل یا نصرہ کا باب, باب نصرہ قرآن میں بھی اور عربی زبان میں بھی بہت عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اسی لیے ہم نے اس وزن پر 7 افعال سیکھے پچھلے اسباق میں, نصرہ, خلق, ذکر, کفر, رزق, دخل, عبد. تیسرا باب تھا ضرب کا, تیسرا نمونہ سٹائل ضرب کا, اس نے مارا. پچھلے سبق میں ہم نے 2 افعال سیکھے اس پر, ضرب اور ظلم, ضرب اور ظلم. ان تینوں ابواب میں یا چوتھے میں بھی صرف او آ ای کا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. جیسے ضرب یضرب, فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, آ ای او وہ تیسری اس میں. اور یہاں جب آواز چینج ہوگی تو مضارے کے یہ سارے اس میں, جیسے یضرب یضرب, تضرب تضرب, اضرب نضرب, اضرب اضرب, لا تضرب لا تضرب, مضارے میں اور امر میں اور نہیں میں, یہاں تک اس کا اثر ہوگا. اس کے بعد فاعل, ضارب, ناصر, فاتح, یہ سب سیم ہے. مفتوح, منصور, مضروب, یہ بھی ویسے ہی ہے. اور یہ فعل یہ اپنی جگہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین, آپ سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. نیت کر لیجیے ابھی سے کہ ہم اگلا سبق ضرور دیکھیں گے, اگلا ہی نہیں اس کے بعد کا, اور اس کے بعد ہی نہیں پوری قرآن انشاءاللہ جب تک سمجھ میں نہ آئے ہم اس کو پڑھتے ہی رہیں گے. مرتے دم تک قرآن کا اسٹوڈنٹ بنیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ بنے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.